हेलो फ्रेंड्स, नंदनी कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं बैंगन का भाजा। तो आप देख सकते हैं हमने व्हाइट वाले बैंगन लिए हुए हैं, और आपके पास जो बैंगन है वो आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम धो के हमने इसे पोंछ लिया हुआ है, तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। तो हम इसे कट कर लेते हैं, तो इसका डंठल हम इसे अलग कर देंगे और इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें कट करना है। इसे हम तीन टुकड़ों में लंबे शेप देकर कट कर लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमने सारे बैंगन को कट कर लिया कुछ इस तरीके से। तो हाँ, आप देख सकते हैं ऐसे ही हमें कट करना है। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनती है फ्रेंड्स, और बहुत ही चटपटी बनती है। तो इसे हम होल कर लेंगे एक चाकू की मदद से, या फोक से भी आप होल कर सकते हैं। तो चलिए हमने इसे होल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं हमने होल कर दिया सारे बैंगन को, कुछ इस तरीके से हमने होल किया हुआ है ताकि ये मसाला इसके अंदर तक जाए और ये बहुत ही स्वादिष्ट बने। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने लहसुन लिया है इतने सारे, क्योंकि ये लहसुन मिर्ची से ही बनती है, और हमने लिया हुआ है कश्मीर, इसे हम पीस लेते हैं। देख सकते हैं हमने इसे पीस लिया हुआ है, और हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये तीखी नहीं होती है, इसलिए हम कश्मीरी लाल मिर्च से ही बना रहे हैं। अगर आपको तीखा चाहिए तो थोड़ा सा तीखी मिर्ची मिला सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, तो आप देख सकते हैं, और डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, और इसे हम फेंट के गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। थोड़ी सी पानी डालकर हम इसमें गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे फ्रेंड्स। तो हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें पेस्ट बनाना है। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तवे पे हमने तेल डाल दिया हुआ है, तवे पे तेल डाल दिया हुआ है, तेल गर्म हो गया है। हम इसे फैला लेते हैं पूरे कढ़ाई में, तवे में। तो आप देख सकते हैं, तो चलिए हम इसमें बैंगन को अच्छे से लपेट लेते हैं। लपेट लपेट कर हम इसको तवे पे डाल देते हैं ताकि मसाला अच्छे से इसमें लग जाए और ये बहुत स्वादिष्ट बने। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स। एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी चटपटी बैंगन का भाजा। तो हमें कुछ इस तरीके से डाल देना है इसके किनारे किनारे। तो हम इसे डाल देते हैं, और चलिए इसे हम पलट लेते हैं। देख सकते हैं एक साइड कितनी बढ़िया से पक गई है, और अब इसे हम लो फ्लेम पे ढककर पकाएंगे। तो इसे हम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि बैंगन हमारा अच्छे से गल जाए और स्वादिष्ट बने। तो चलिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो गए, इसे हम पलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है बैंगन। तो थोड़ी सी अभी हमें और पकानी है इसे। तो चलिए हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए फिर इसे हम ढककर पका लेते हैं। तो 1 मिनट हो चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, देख ले सकते हैं आप कितनी बढ़िया बैंगन गल चुकी है, हमने दबा कर दिखा दिया आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी बैंगन बन के तैयार हो चुकी है बैंगन की भाजा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स।